नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा पांचवी विषय गणित, आज अध्याय अपना है 3 गुणा एवं भाग। पूर्व कालांश में हमने जोड़ और भाग्य का अभ्यास किया था, आज अपन गुणा का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 हल कीजिए। अब इस प्रश्न में देखते हैं तो 3 अंक के गुणा है, 3 अंक के गुणा को किस प्रकार हल करते हैं ये चीज अपन अभी देखेंगे। भाई 3 अंक का गुणा है, परंपरागत तरीके से अपन गुणा जो हल करते आए वो ये तरीका है, 5 का पाड़ा 6 बार जोड़ना, आएंगे 30, इकाई अंक नीचे 3 हासिल। 5 का पाड़ा 8 बार बोलते हैं 40, 40 में ये 3 जोड़ते हैं तो होंगे 43, 43 के 3 हासिल के 4, 5 का पाड़ा 2 बार बोलते हैं 10, 10 और 4 हासिल के जोड़ेंगे तो कितने होंगे 14, ये 14। एक अंक पूरा हो गया भाई, अंक पर आएंगे तो एक अंक कई गुणा गुणा का निशान 2 से, 2 का पाड़ा 6 बार बोलते हैं 2 6 12 हासिल 1, 2 का पाड़ा 8 बार बोलते हैं 2 8 16, 16 में ये हासिल जोड़ेंगे तो 17 हासिल 1, 2 का पाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 2 तो नहीं 4, 4 में ये हासिल जोड़ेंगे तो 5। इकाई भाई दोनों संख्या पूरी हो गई, अब से इकाई भाई को दोनों संख्याओं का मान अपन नीचे ले आए। अब एक को 6 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 8 एकम 8, 2 एकम 2, करना क्या है जोड़ना, 0 और 2 गुणे के निशान बराबर 0, 3 और 2 5, 7 और 4 11, 11 और 6 17 हासिल 1, 5 एक 6 6 8 6 और 8 14, 14 एक हासिल वाला 15 हासिल 1, 2 और एक हासिल वाला 3। उत्तर आ रहे हैं 35,750। ये अपन आज तक जो गुणा करता है उसी प्रकार का गुणा किया, एक नई तकनीक है आज नई विधि है उसके हिसाब से अगर अपन गुणा करते हैं तो इसको एक बार देखेंगे अपन। सबसे पहले 286 दोनों संख्या है, 125 करना क्या है, इस 125 का हमने टुकड़ा कर दिया, 125 बराबर 125। अब सबसे पहले इसमें जो इकाई अंक है ये 5 है, इससे गुणा करें, 286 को 5 से गुणा करें, ध्यान से देखना, 5 का पाड़ा 6 बार बोलते हैं तो आते हैं 30 हासिल के 3, 5 का पाड़ा 8 बार बोलते हैं 5 8 40, 40 और 3 कितने होंगे 43 हासिल के 4, और 5 का पाड़ा 2 बार बोलते हैं 10, 5 का पाड़ा 2 बार बोलते हैं 10, 10 में 4 ये हासिल के जोड़ेंगे तो 10 और 4 14। एक अंक अपन ने लिया था, एक अपना कवर हो चुका है। अब भाई एक भाई अंक वापस 286 अंक अपन ने ले लिए, आरपीएस को साथ में ले लिया। एक बात और है, 0 को अगर किसी संख्या के साथ में यानी 0 या 0 को किसी संख्या के साथ में अपन गुणा करते हैं तो हमेशा जो उत्तर आता है वो 0 ही आएगा। अब देखो ये 0 है पहले लगा दिया, एक अंक में 0 पहले ले लिए। अब आई है 2 की, 2 को 6 के साथ में गुणा करते हैं यानी 2 का पाड़ा 6 बार बोलते हैं 12 हासिल 1, 2 का पाड़ा 8 बार बोलते हैं 16, 16 एक हासिल वाला 17 हासिल 1, 2 का पाड़ा 2 बार बोलते हैं 4, 4 एक हासिल वाला 5। भाई अंक तक अपने ले लिया, अपने
बाई एक्स लिखना है, कितने हैं 100 इंटू गुणा का निशान 286। कितने शून्य है? 2 शून्य, दोनों शून्य पहले साथ में ले लिया हमने, फिर एक को 6 के साथ में गुणा किया, यानी 6 का पहाड़ एक बार बोला 6, 8 का पहाड़ एक बार बोला 8, 2 का पहाड़ एक बार बोला 2, वही जो इसमें किया था जोड़ना, अब जोड़ रहे हैं इनको, 3 शून्य है, 3 शून्य का मतलब 3 शून्य, 3 और 2 5 और 0 5, 7 और 4 11, 11 और 6 17, हासिल 1, ध्यान रखना 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, हासिल 1, 2 और 1 हासिल वाला 3, 35,750, 35,750। आपको कौन सी संख्या या कौन सा गुणा अच्छा लगा इसके बारे में सोचना, मेरे हिसाब से जो नई तकनीक है, नई विधि आई, इसके हिसाब से गुणा बहुत ही बढ़िया होता है, सरल तरीका है, सुगम तरीका है। एक ही अंक को अलग करना, दाई अंक को अलग करना, अशेषा को अलग करना, तीन अंक का गुणा है तो अपने टुकड़े कर दिए, और टुकड़े से बहुत ही आसान तरीके से और गलत है कि ना के बराबर संभावना है इसमें। इस प्रकार आपको गुणा कितने भी अंक हो, संख्याओं को टुकड़ा करके विभाजित करके अपन गुणा आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।